कि अभिमन्यु जैसे योद्धा एकलव्य जैसे शिष्य कर्ण जैसे दानवीर दानी को नमन है, उस सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त किया ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। भारत माता की। तीन कवि बचे हैं, एक शेष है अनिल तेजस, एक विशेष है आदरणीय हमारी बहन, और अगर इन दोनों के बाद भी आप बचे तो फिर मैं अवशेष हूँ। तो मैं शेष को इस समय बुलाना चाहता हूँ, जिनके ऊपर इस कवि सम्मेलन का सर्वाधिक भार था, जिन्होंने इन कवियों की संयोजना की। मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे संघर्षों के साथी हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संगठन का कार्य करते करते एक शिक्षक के रूप में हिंदुस्तान की एक नई पीढ़ी को गढ़ने का उपक्रम उनके पास है। जतारा मध्य प्रदेश से हमारे बीच आए मेरे बहुत प्रिय छोटे भाई अनिल तेजस्व को आपके बीच बुला रहा हूँ कि अपने काना को विजधर का शीश कुचलना आता है, बजरंगी को अश्रुबाण की आग निगलना आता है, हम चंडी को नर मुंडों की माल चढ़ाया करते हैं, बंसी की तानों को रण में जहर उगलना आता है। जोरदार तालियां बजाइए भाई अनिल तेजस्व, जतारा मध्य प्रदेश। इससे नहीं, वो बीच वाले से। नाना जी सदैव कहा करते थे कि कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कंटकों में पथ बनाना सीख लो, कष्ट में भी मुस्कुराना सीख लो, और जिंदगी सचमुच सुखद लगने लगेगी। दूसरों के काम आना सीख लो, दूसरों के काम, ऐसे थे हमारे नाना। तब बगैर किसी भूमिका के चार पंक्तियां पढ़ता हूं, बहुत अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं, बहुत शानदार। मेरे छोटे भाई रवि चतुर्वेदी ने ओपनिंग की, बहुत अच्छा पूरा राष्ट्रमय माहौल किया मेरे छोटे भाई अमित ने, पंकज प्रमोद ने हंसाते हंसाते बाद में जो बेटी का एक गीत पढ़ा सबकी आंखें नम हुई, बहुत देश के बड़े संचालक मेरे बड़े भाई शशिकांत ने शानदार अभी तक संचालन किया। हमें हेमा जी को सुनना है, शशि भाई को सुनना है, एक 10-15 मिनट आपके बीच में कुछ बातें रखता हूँ। चार पंक्तियाँ, सबसे पहले हमारे नाना जी कैसे थे, मैंने कोशिश की है पंक्तियों में बांधने की, अगर बात सही हो तो एक बार आशीर्वाद देना ताकि मैं प्रारंभ हो सकूं, पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि शांत था स्वभाव था हृदय सिंधु सा विशाल, भारत के कोने कोने में जिनका नाम था। कि शांत था स्वभाव था हृदय सिंधु सा विशाल, भारत के कोने कोने में जिनका नाम था। कि राग देश आपके निकट नहीं आया, कवि सर्व धर्म के लिए किया सदैव काम है। कि कोई माने या न माने पर मैं तो मानता हूँ, कि कोई माने या न माने पर मैं तो मानता हूँ आपका ही दर्शन मुक्ति का पैगाम है। के ऐसे अपने नाना जी को मेरा सत सत बार भावना लिए हुए सहृदय प्रणाम है, भावना लिए हुए सहृदय प्रणाम है। भाव नाना जी के क्या संदेश हुआ करते होंगे, चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि छूकर जो पैर चले अपने माँ बाप के, तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे। वाह। कि छूकर जो पैर चले अपने माँ बाप के, तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे। कि बड़ों को झुका के शीश बुजुर्गों का ले आशीष, बढ़ते गए तो मंजिलों को भी पा जाओगे। कि बहनों का हो सम्मान मन में हो स्वाभिमान, संस्कार का तिलक माथे पर लगाओगे। और सत्य और अहिंसा वाली राह चलते गए तो अपने हृदय में श्री राम को बसाओगे, अपने हृदय में श्री राम। कि राम से एक संकल्प लेके जाएं हम, नाना जी के इस मंच से एक संकल्प के लिए निवेदन करता हूं, संकल्प सही हो गया हो तो हाथ खोलना। कि राम के हो वंशज तो राम से आहार करो साकार, अपना सतायु बन जाइए। वाह। कि राम के हो वंशज तो राम से आहार करो साकार, अपना सतायु बन जाइए। कि यदि कोई राहगीर प्यास से तड़फता हो, हाथ जल लेके खुद प्याऊ बन जाइए। कि यदि कोई वृद्ध कर मांगता सहायता हो, बन के सहाय प्राण वायु बन जाइए। और हाथ खोला। कि यदि कोई बहनों की इज्जत पे हाथ डाले, हाथ तलवार ले जटायु बन जाइए, हाथ तलवार ले जटायु बन जाइए। और एक नाम लेता हूं साहब,
कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई, ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। वा, 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 कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई, ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। कि सिंघनी का दूध ले जो गुरु जी के पास आए, ऐसे वीर सेवा की कहानी को नमन है। कि अभिमनु जैसे योद्धा एकलव, जैसे शिष्य कर्ण, जैसे दानवीर दानी को नमन है। उस सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त किया, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। ऐसे अभिनंदन की जवानी। एक बार दोनों मुठ्ठियां बांध के भारत माता की जय का उद्घोष करें। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। और दोस्तों अब मैं प्रारंभ होता हूं, चार पंक्तियां भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं, सुनेगा। कि पांच सदी से जाने कितने राम भक्त बलिदान हुए। सची भाई बिल्कुल पंक्तियां सुनेगा। कि पांच सदी से जाने कितने राम भक्त बलिदान हुए, पांच सदी से जाने कितने राम भक्त बलिदान हुए। श्री राम जिनने बोला उन भक्तों के अपमान हुए। एक तर्क देता हूँ कि श्री राम जिनने बोला उन भक्तों के अपमान हुए। रोटी कपड़ा और मकान का हरदम ताना देते थे, रोटी कपड़ा और मकान के हरदम ताने देते थे। और कुछ नेता तो भाषण में शौचालय बनवा देते थे। राम नाम की महिमा को कुछ लोगों ने ठुकराया था, श्री राम सेतु को दुष्टों ने मिथ्या बतलाया था। देशद्रोहियों के मुंह पे अब लटका देखो ताला है। हाथ खोला पूरे सदन में तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूँ। कि राम द्रोहियों के मुंह पे अब लटका देखो ताला है। सीना ठोक के मोदी ने भूमि पूजन कर डाला है, सीना ठोक के मोदी ने भूमि पूजन कर डाला है। अवधपुरी के कोने कोने में अब दीप जलाएंगे, अवधपुरी के कोने कोने में अब दीप जलाएंगे। और दुनिया देखेगी ऐसा अब मंदिर भव्य बनाएंगे, दुनिया देखेगी ऐसा अब मंदिर भव्य बना। दोस्तों छोटे भाई ने एक बात की थी, बढ़िया अनिल बढ़िया है बेटा, भगवा के बारे में चर्चा की थी। भगवा है क्या? सब सीधे सीधे भगवा पर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। शशि भाई, भगवा है क्या, रंग क्या है? मैं कुछ पंक्तियों में बांधता हूँ, सुनिएगा। कि जिस भगवा रंग ने भारत माता का मान बढ़ाया था, जिस भगवा रंग ने भारत माता का मान बढ़ाया था, जिस भगवा रंग से ये भारत जगत गुरु कहलाया था। उगता सूरज भगवा रंग से हमें ऊर्जा देता है, और अस्त होते हम सबके सारे दुख हर लेता है। भगवा के वर रंग नहीं ये संस्कार सिखलाता है, पौरुष और पराक्रम बलिदानों की राह दिखाता है। भगवा रंग को पहन विवेकानंद अमर हो जाते हैं। हाथ खोला कि भगवा रंग को पहन विवेकानंद अमर हो जाते हैं। अमरीका जाकर के भारत माँ का मान बढ़ाते हैं, अमरीका जाकर भारत माँ का मान बढ़ाते हैं। ऐसे भगवा रंग को जो भी आतंकी बतलाते हैं, निश्चित वो अपनी माता के दूध को ही लजवाते हैं, निश्चित ही अपनी माता के। और क्या है भगवा रंग? कि श्री राम की सेना में जिसको लहराया जाता था, और कहां कहां रोकेंगे आप? कि श्री राम की सेना में जिसको लहराया जाता था, और कृष्ण के रथ पर हरदम इसे सजाया जाता था। इसे देख राणा की सेना में शक्ति आ जाती थी, इसके नीचे शिवा की सेना महाकाल बन जाती थी। धर्म ध्वजा ये है सदियों से ऋषि मुनियों का चोला है, इसे छुओगे जल जाओगे एक दक्ता गोला है। भगत सिंह बासंती चोला पहन यहाँ बलिदान हुए, जाने कितने अनगित योद्धा भारत की पहचान हुए, जाने कितने अनगित योद्धा भारत की पहचान हुए। इस भगवा रंग की मर्यादा पे जो दाग लगाते हैं, निश्चित ही वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं। और एक तर्क देता हूँ साहब, बहुत अच्छे अनिल बहुत अच्छे, कि पूरी प्रकृति ही भगवा होती है, कहाँ कहाँ रोके। एक तर्क देता हूँ, आपने अनुभव किया होगा कि वेदों और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। आदरणीय भाई साहब जी, एक पंक्ति पढ़ता हूँ।
कि वेदों और पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। चैत्र माह में बनपरास सारी प्रकृति में खिलता है, चैत्र माह में बनपरास सारी प्रकृति में खिलता है। योद्धाओं की बलिदानी भूमि का ही यह बाना है, मोह भगवान की शक्ति का लोहा मुगलों तक ने माना है। इसके नीचे झांसी की रानी चंडी बन जाती थी, दोनों हाथों में तलवारें ले कोहराम मचाती थी। जिस दिन भगवान रंग वाले घर अपनी पर आ जाएंगे, उग्रवादियों के अड्डों को तहस नहस कर आएंगे, उग्रवादियों के अड्डों को तहस नहस कर आएंगे। भगवान रंग को गाली देने में ना जो सकुचाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं, लगता है वो अपनी माँ के दूध को ही लजवाते हैं। दोस्तों एक आवाज आई थी जम्मू कश्मीर से, जिसका जिक्र अमित भाई ने किया था, वहां से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। कि कुछ ना होने वाला है अब बुढ़े की तकरीरों से, वाह 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 वाह, कि कुछ ना, एक चेहरा देखना आप, सुना होगा आपने, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि कुछ ना होने वाला है अब बुढ़े की तकरीरों से, घाटी में ना घाव लगेगा जहर बुझे इन तीरों से, 370 फिर से ला दे ऐसा कोई वीर नहीं, अब्दुल्ला ये घाटी तेरे अब्बा की जागीर नहीं, अब्दुल्ला ये, तालियां बजाना, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ फिर से एक बार। कि कुछ ना होने वाला है अब बुढ़े की तकरीरों से, घाटी में ना घाव लगेगा जहर बुझे इन तीरों से, 370 फिर से ला दे ऐसा कोई वीर नहीं, अब्दुल्ला ये घाटी तेरे अब्बा की जागीर नहीं। जिस थाली में खाता है तू छेद उसी में करता है, थोड़ी सी शक्ति हो तो भीगी बिल्ली सा डरता है। तुष्टिकरण वाला घट अपने मोदी जी ने फोड़ दिया, 370 हटा के भारत को घाटी से जोड़ दिया, 370 हटा के घाटी को भारत से जोड़ दिया। महबूबा ये तेरा सपना अब होगा साकार नहीं, और 100 जन्मों तक 370 का होगा आकार नहीं, 100 जन्मों तक 370 का, तालियां बजे तो एक साथ, 100 जन्मों तक 370 का होगा आकार नहीं। जज्बातों से मत खेलो अब वैसा भारत नहीं रहा, आजादी से अब तक तुम जैसे गुंडों को खूब सहा, इज्जत दी सम्मान दिया संसद में तुम्हें बिठाया था, फिर भी तुमने गिरगिट जैसा अपना रंग दिखाया था। अंदर बाहर से भारत के मन में पाकिस्तान समाया है, लगता चीनी चमगादड़ का तुमने जूठन खाया है। के बाली घाटी भी अब भारत में आएगी, भारत माँ को गाली दी तो जीभ काट ली जाएगी। भारत, वाह 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 वाह।